अबे क्या हो रहा है? पुष्पा कौन है? ये पुष्पा है? पुष्पा तुम्हारी शादी करवा देंगे पुष्पा से। हाँ फिर मत कहना। हाँ ये यहाँ का हेरिटेज हाउस और म्यूजियम है। सर को झुकाइए और फिर यहाँ से जाइए। आ सकता हूँ? ऊपर पर्दा तो नहीं है? सलाम अलैकुम। किस तरीके की हेरिटेज है ये? भैया ये घर 250 साल पुराना घर है और जो सारे सामान है ना उसी जमाने के हिसाब से, उसी जमाने के लोग यूज करते थे वही सारे सामान है। उस जमाने के अमीर का घर यही हुआ करते थे। हेरिटेज म्यूजियम एंड हाउस है, वुमेन सोसाइटी का है। अच्छा माशाल्लाह। तुर्तु वुमेन सोसाइटी का है। तो आप उसकी सदर हैं क्या? सदर नहीं है, आज हमारी ड्यूटी लगी है। सदर नहीं है आप? है? मैं आपके गांव में दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा भैया। पहली बार आया था तो मस्जिद गया था तो अब्दुल रहमान साहब से मुलाकात हुई थी, जो मौजिन, अब तो किसी और की आवाज़ है ये। अरे वाह, ये क्या है? ये एक किस्म का फल है इधर का, एप्रिकॉट के बिना दूसरे चीज। एप्रिकॉट आलू तो नहीं है ये? नहीं, ये दूसरा फल है। और ना ये वो है, दुक्के के पास होते हैं। अच्छा। सबके पास नहीं होते हैं। अच्छा। इसका खुबानी नहीं होते? खुबानी नहीं है ना, ये ऐसे खाया जाता है। बिस्मिल्लाह रहमान। अभी देखो इतना साल के बाद भी यूज करने के लायक है, आप अंदर जाके देख। हाँ बिल्कुल देखेंगे। ये क्या है? ये जो है ना भैया, ये जो बड़ा टब है उसमें कपड़े धोते थे। अच्छा। इस साइड वाला घर के दीवार के अंदर फिट किया हुआ बक्सा है। या अल्लाह, ये ऐसे इसके अंदर कपड़े धोया करते थे? इतना जमीन में दफना के फिर इसमें छोटे छोटे पत्थर फिट करके इसमें पानी डाल के। और ये क्या है? और ये इसमें 6 महीने का राशन अनाज जमा कर। ये स्टोर रूम है, समझ लीजिए स्टोर रूम है, क्योंकि घर के कमरे दीवार में भी फिट किया है इधर से आगे है। तो ये गंदुम इसमें डालते थे या जौ? हाँ जो गंदुम जो भी हो इसमें बोरियों में डाल के इसी में डालते। आगे क्या है? आगे आइए भैया। जो है ये हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके दांत सिलबट्टा, हाँ दांत नहीं होते थे, वो इस पे पीस के जो एप्रिकॉट है पीस के खाते थे। हमारे इधर अनाज को घास से अलग करते समय इस चीज का इस्तेमाल किया जाता जी है जी जी जी। और जब मिट्टी से अलग करने के समय इस चीज का इस्तेमाल किया जी जाता जी जी है जी। गद्दे के ऊपर सामान चढ़ाने से पहले गद्दे की सेफ्टी के लिए चढ़ाया जाता है, फिर सामान चढ़ाए जाते है। बारले आटा बनाने के लिए इसको इसमें फ्राई करना है पहले अनाज को, फिर इस चमटे के सहारे निकालते थे, निकाल के इसमें डाल के इसमें डाल के कंकर से अलग करते थे। ये सूप कहते हैं इसको? हाँ सूप। तो सूपड़ा, सूप, ये सब। तो बेचने का कपड़ा नहीं था बिछाने के लिए उस जमाने में, तो लकड़ी का ये बड़ा टब बनाया गया। अच्छा। है इसमें ये साफ करते थे। माशाल्लाह गुड। ये लोकल चाबी है। इसमें चाबी डाल के ऐसे ऐसे खुलाए, इसमें दो लकड़ियां डालना है तो इसमें फंस जाते हैं, तो चाबी लॉक हो गया है। तो इसमें जो चाबी है वो डाल के ऐसे ऐसे करने से ऊपर को छलांग मारते हैं ना तो फटाफट खींच लेते। अरे वाह क्या बात है भाई, क्या बनाया हुआ है। हमारे जो घोड़ा सवारी, ये तो जीन है उसकी। हाँ तो सूर्य ऐसे बोले ना, अंदर बताओ। बताओ शाबाश। हाँ ये क्या है, बैठक है? जी नहीं, ये रहा है। पुराने जमाने में हम झुक के मतलब रिस्पेक्ट के लिए झुकते थे। अच्छा, इसीलिए दरवाजा भी झुका हुआ है। हाँ। और ये मकान भी 300 साल पहले का मकान, 300 साल, हाँ 300 साल पहले का मकान है। और ये सब बर्तन भी उसी जमाने में यूज किया हुआ बर्तन है। कौन कौन से बर्तन है, उसके नाम वाम है? हाँ मैं दिखाऊंगा आपको। ये चप्पल यहाँ उतार दूँ? नहीं आप ऐसे आ सकते हो? ऐसे आ सकता हूँ, चलिए आइए ना। बिस्मिल्लाह।
आप नीचे भी बैठ सकते हो। ये ना ये शिव का सिक्किन है, ये हमारे बुजुर्ग लोग बूढ़ा बूढ़ी लोग पहनकर उसको बिछा कर बैठते थे सर्दी के बचाव से। ये गर्मी है, इसमें छोटे बच्चे सुलाते थे। ये बेडरूम है, बेडरूम है, बेडरूम है, छोटे बच्चे के बेडरूम है। इसके नीचे हम घास फूस बिछा कर और ऐसा ये याक करते, याक बाल से बना हुआ, ये याक के बाल वाला है, याक के बाल वाला है ये सब, ये घोड़ों का बिछा हुआ, ये सब याक के बाल का बना हुआ है। हमारे बुजुर्ग लोग का हम मशीन से यूज नहीं करते थे, अपने हाथों से बना हुआ है। और इसमें हम दही डालते थे, दूध डालते थे, दूध दही डालते थे, और मक्खन और लस्सी को हम अलग करते थे उसको हिलाकर। ये मथते थे, मथाते थे। हाँ, और ये जूता किसी स्किन से बना हुआ है, उसी जमाने का जूता है ये। लग तो नहीं रहा इतना पुराना है। देखो आप, अच्छा ये है इतना पुराना। हाँ होगा भाई, होगा, लग रहा है, मुलायम भी है काफी सर्दियों के लिए। ये थोड़ा वो जनरेशन हो गए ना, थोड़ा मतलब मॉडर्न जमाना हो गया। और यहाँ से इसमें कशीदाकारी यहाँ से करी हुई है। ये बॉयज का है, ये गर्ल्स का है। हाँ जी,